याद में बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते पंखा नहीं याद आ रहा है, पसीना नहीं निकल रहा है? हाँ, हाँ जी बाबा, अष्टदेवों की पूजा जो है दक्षिण भारत में ही क्यों होती है, उत्तर भारत में क्यों होती है? ऐसे नहीं कि अष्टदेवों की पूजा उत्तर भारत में होती नहीं है। भारत में तो अष्ट तो छोड़ो, जो नौवां है वो भी उसमें शामिल कर लिया। क्या? नौ ग्रहों की पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उत्तर भारत में भी, चाहे शादी करें, चाहे यज्ञोपवीत करें, चाहे मुंडन करें, तो क्या करते हैं, कथावात्रा करें, तो पहले पहले नौ ग्रह बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे नहीं जैसे आपने पूछा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी मूर्तियां उत्तर भारत में नहीं बनाई जाती। क्या? उनकी मूर्तियां उत्तर भारत में नहीं बनती हैं, उत्तर भारत में उनके मंदिर नहीं बनते हैं। कहाँ बनते हैं? दक्षिण भारत में उनके मंदिर भी देखे जा रहे हैं और उनकी मूर्तियां भी देखी जाती हैं। इसका कारण क्या है? नहीं, उसका कारण ये है कि अष्टदेव जब पुरुषार्थ करके तैयार होते हैं, उस समय जो भारत में ज्ञान फैलता है, जिस ज्ञान के जरिए अष्टदेव प्रत्यक्ष होते हैं, उस ज्ञान को दक्षिण भारत वाले ग्रहण करते हैं, उत्तर भारत वाले सोए हुए पड़े रहते हैं। अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया है, खासकर एडवांस की दुनिया, उस एडवांस ज्ञान को दक्षिण भारत वाले ज्यादा पहचान रहे हैं या उत्तर भारत वाले ज्यादा पहचान रहे हैं? दक्षिण भारत वाले पहचान रहे हैं। दक्षिण भारत वालों ने ही भगवान को पहले पहचाना। बाबा भी कहते हैं क्या, विदेशी ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। दक्षिण भारत है जैसे भारत का विदेश। विदेश किस आधार पर कहा जाता है? भाषा भी दूसरी, विदेशियों की भाषा हिंदुस्तानी कोई समझेगा? ठेठ हिंदुस्तानी होगा तो विदेशियों की भाषा नहीं समझेगा। तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो नॉर्थ इंडिया वालों को समझ में नहीं आती। उनकी जो परंपराएं हैं वो भी नॉर्थ इंडिया वालों की तरह अलग है। शिवरात्रि में भी अंतर है, माघ मास में भी शिवरात्रि मनाते हैं इंडिया में, और फाल्गुन मास में भी शिवरात्रि मनाते हैं। ये अंतर क्यों हो गया है? हाँ, जिन्होंने पहले पहचाना उन्होंने पहले मनाना शुरू कर दिया, और जिन्होंने बाद में पहचाना बाद में पहचान लेट मिली। इससे क्या साबित होता है कि आप भारतवासी पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं या लंगड़ी आत्माएं हैं? ना जी, जी बताओ। हाँ ना करो जल्दी से। 70 साल हो गए बाबा को एक ही बात सिखाते सिखाते। बच्चे पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग की बात चाहिए तुम्हारी?
पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग की बात क्या है? एक हाथ में स्वर्ग लो, नरक लो नहीं है, हाँ नरक दो और स्वर्ग लो, विकार दो और स्वर्ग लो। लेकिन सब अपना घर घर से जमाए हुए बैठे हैं, क्या नहीं? जो सरेंडर्ड है, चाहे बेसिक नॉलेज में हो, वो भी कहीं ना कहीं हिलक गए, उनकी बुद्धि कहाँ हिलक गई? भगवान को पहचानते ही नहीं तो बुद्धि कहाँ हिलगी हुई है? आपस में हिलगी हुई है या भगवान में हिलगी हुई है? आपस में हिलगी हुई। यहाँ रुद्रमाला के वणकों में भी, एडवांस में भी ऐसा ही होता जा रहा है। सारी धरणी जो एडवांस की दुनिया की धरणी है, सारी धरणी को हिरण्याक्ष कहाँ दिया जा रहा है? पाताल लोक में गड्ढे में लिया जा रहा है। समझते भी हैं हम गड्ढे में जा रहे हैं, हमें बाबा की याद नहीं आ रही है। जिनसे लगाव लगता जा रहा है उन देहधारियों की याद आ रही है, लेकिन बेचारे मजबूर मजबूर है। हाँ तो बाबा सबको बचा लेगा या काशी नगरी के लिए गायन है? काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो हिरण्याक्ष जब गड्ढे में लिए जा रहा था पृथ्वी को पाताल में, तो काशी नगरी छिटक गई। क्या काशी नगरी छिटक गई? पृथ्वी का हिस्सा अलग हो गई और बाकी पृथ्वी सारी पाताल लोक में धरणी चली गई। ये कथाएं हैं कहाँ की? संगमयुग की कथाएं। बाबा इसके मतलब ये वो जो अनंत वाले हैं जो बच गए बाकी वाले, वो भी सारे एक जैसे? वो तो नई दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है। फाउंडेशन जमीन के अंदर डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है? अंदर किसी को दिखाई नहीं पड़ता। और आजकल तो और परंपरा निकल पड़ी है, जहाँ कहीं नई बिल्डिंग बनती है चारों तरफ से उसको ढक देते हैं। माने भगवान भी जब आया नई दुनिया का फाउंडेशन डाला तो किसी को दिखाई न पड़े, ऐसे गुप्त काम चलता रहे तो पर्दा लगा दिया। जैसे बाबा के लिए बोला था 2000 के आसपास कि दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया और तुम बच्चों के आगे बाप प्रत्यक्ष हो गए। उस समय बाप के लिए बोला और अभी नहीं, अभी नई दुनिया के फाउंडेशन के लिए बोल दिया। अगस्तवाणी में बोला कि नहीं, तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया का सौगात दिया है। नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, है? हो रहा है? बोला है। कोई होशियार होंगे, ज्यादा तीखे होंगे, कहीं हम भी तो बुद्धि से आना जाना करते हैं। बाबा ने बुद्धि से ही याद करने के लिए बोला है? अरे बुद्धि से तो सभी आना जाना करते हैं। सबके लिए बोला है, स्वर्ग को याद करो, नई दुनिया को याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ। वो खास बात नहीं, फिर तो बाबा को ये कहने की दरकार ही नहीं थी क्या कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दी है। उस नई दुनिया में आना जाना भी करते हो, माने कोई बच्चे हैं कि वो फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? वो फाउंडेशन जहां भी पड़ रहा हो उसको नई दुनिया अभी भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया कहेंगे या नई दुनिया का फाउंडेशन कहेंगे? फाउंडेशन है। फाउंडेशन जब मजबूत बनाया जाता है तो दुर्मुट उसके ऊपर ठोंका जाता है, और भारी सा होता है ना लोहा का दुर्मुट। तो फाइनल जब पेपर होता है तो उनके ऊपर खास परीक्षाएं आती हैं। फाउंडेशन में जो ईंट पत्थर डालते हैं ना, उनकी ठुकाई अच्छी तरह होती है कि नहीं? नहीं होती है? होती है। तो उस ठुकाई में जो मजबूत होते हैं
वो तो और मजबूत होते जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो फूट के बिखर जाते हैं या तो छिटक के दूर चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि नई दुनिया बन गई, फाउंडेशन पड़ रहा है। चांसेस है कि अगर डटे रहे तो नई दुनिया में आ जाएंगे। और तो मूल बात पवित्रता की है, क्या एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर दूसरे कोई बुद्धि में आ जाते हैं ना चाहते हुए भी, तो जरूर उनसे कुछ न कुछ लगाओ, अटैचमेंट लग रहा है, अटैचमेंट लग रहा है, माना मन बुद्धि की ताकत गड्ढे में जा रही है, शिव बाबा की याद में नहीं जा रही है, कर्मेंद्रियों की ताकत गड्ढे में जा रही है। और जहां कर्मेंद्रियों की ताकत जाएगी, मन बुद्धि की ताकत जाएगी, तो वाचा भी आपस में रज रज की बातें करेंगे, बाबा को नहीं पोसा मिल देंगे, क्या करेंगे, जो बात बाबा को भी नहीं बताएंगे वो बात आपस में एक दूसरे को जरूर बताएंगे। और ये बाबा भले चला जावे, मुरली में वाक्य है, ये बाबा भले चला जावे लेकिन मम्मा यज्ञ की अंत तक पालना करेगी। चलो पहले बेसिक नॉलेज में ही पकड़ लो, बेसिक नॉलेज में अम्मा कौन है, ऐसे तो नहीं है कि बेसिक के महावाक्य झूठे साबित हो जाएंगे, बेसिक में भी तो सच के साबित होंगे। तो बेसिक मम्मा कौन और बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा बाबा, और मम्मा ओम राधे सरस्वती, वो तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने पहले ही, मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा और बाबा ने बाद में शरीर छोड़ा, तो ये तो समस्या हो गई क्या, कि ये बाबा ने क्या कह दिया, मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी और बाबा बाबा भल चला जावे। चलो बेसिक में बाबा भी गया और मम्मा भी गई, तो क्या बाबा का महावाक्य झूठा हुआ, झूठा कैसे हो सकता है, बाबा ने तो पहले ही बता दिया इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो साबित हुआ उनकी तो बात ही नहीं, फिर किन को मम्मा बाबा कहेंगे, जो यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा के भी मामा बाबा थे, मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर बनकर बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, ऐसे बाकी मुरली में है ना, तो असली मम्मा बाबा कौन हुए, आदि वाले। उनमें से कहा है कि एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है और बाप बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है, तो उस समय बाबा भल चला जावे, क्या है सुप्रीम सोल को बाबा कहा जाता है, क्या साकार को बाबा कहा जाता है या सुप्रीम सोल को बाबा कहा जाता है, है साकार को बाबा कहा जाता है, माने बाबा जो है वो भल चला जावे, भल का मतलब ये नहीं है बिल्कुल चला जावे, जब बाबा कहते हैं ने? जब बाबा कहते हैं शादी करो, तो क्या कहते हैं, शादी कर लो या भल शादी करो, भल कहते हैं, ये नहीं कहते शादी कर लो, मकान बनाने के लिए क्या बोलते हैं, भल मकान बना लो, माने उसमें कुछ गुंजाइश है, तो भल बाबा चला जावे। अभी भी बोला 2000 के आसपास कि दुनिया वालों की नजरों से बाप चले गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, तो ऐसे ही ऐसा भी टाइम आएगा, और ये बात VCDs में कैसेट्स में क्लियर भी कर दिए, याद हो तो
राज करेगा खालसा, इसका अर्थ क्या बताया है? हाँ, ऐसा टाइम आएगा जैसा यज्ञ के आदि में बेसिक में हुआ, क्या हुआ बेसिक में रही थी, ये ड्रामाबाजी हुई क्या? नहीं हुई, डूबी जा हुई कि नहीं है? नहीं हुई। अरे यहाँ जितने भी बैठे हैं उन सब ने डूबी जा किया या नहीं किया है? जो गुरु थे जिनको हम गुरु समझते थे उनको लात मार दी कि नहीं मार दी? लात मार के डुबो दिया ना, जैसा आदि में हुआ वैसा अंत में भी होगा, लेकिन बड़े रूप में होगा। बेसिक में तो थोड़े से सेंटर थे, थोड़ी सी मुर्लियां छपाई जाती थी, पढ़ाने वाले टीचर्स थोड़े से थे, सरेंडर हैंड्स भी थोड़े से थे, अंत में कितने होंगे है? राज्य पद पाने लायक होंगे 16,000, इतने तो टीचर्स होंगे, फिर सेंटर्स कितने होंगे? तुम्हारे हजारों लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे, तो बड़ा रूप हो जाएगा या छोटा रूप रहेगा ब्राह्मणों की दुनिया का? बड़ा रूप हो जाएगा, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। बेसिक में लाखों की तादाद में छप रही है क्या? छप रही है, लाखों की तादाद में नहीं। बाबा ने तो बोला करोड़ों की तादाद में मुर्लियां छपने लग पड़ेंगी। जो अखबार वाले आज विरोधी हैं, जब प्रत्यक्षता होगी तो वो अखबार वाले अवरोधी हो जाएंगे या विरोधी ही रहेंगे, क्या होंगे? सहयोगी हो जाएंगे। जब वो सहयोगी हो जाएंगे तो अभी दुनिया में अखबार कितनी तादाद में छप रहे हैं? करोड़ों की तादाद में अखबार छप रहे हैं, छोटे बड़े। तो इतनी छोटे बड़े अखबारों में तुम्हारी मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। इतना बड़ा ब्राह्मणों का परिवार हो जाएगा, उस ब्राह्मणों के परिवार को कंट्रोल करने वाले कौन होंगे? बाबा तो बता दिया, मैं तो छोटे थोड़े बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 400-500, बहुत कर लो 1,500। ऐसी कोई VCD देखी जो 1,500 से ज्यादा इकट्ठे हो गए हो? देखी नहीं? 1,500 के बीच पढ़ाता हूँ ज्यादा से ज्यादा। मैं ढेर का ढेर मजमा गुरुओं की तरह नहीं लगाता, तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, सबको नहीं पढ़ाता हूँ। तो बाप से डायरेक्ट पढ़ने वाले थोड़े बच्चे होंगे या ढेर के ढेर होंगे? थोड़े बच्चे होंगे। तो बाकी जो इतना ढेर का ढेर ब्राह्मण परिवार तैयार होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा? करेगा या नहीं करेगा? उनकी पालना कोई करने वाला होगा या नहीं होगा? कौन होगा? दोनों माताएं हैं। कौन माताएं? दोनों, छोटी माँ और बड़ी माँ। इसलिए बोला छोटी माँ के लिए तो खास बोला, मम्मा जो है वो सारे विश्व की पालना करने वाली विश्व की क्या बनती है? महारानी बनती है। फिर साथ में जगदम्बा भी, कन्याओं माताओं के द्वारा ही नई दुनिया के गेट खोलता हूँ। तो इसमें कोई आश्चर्य लगता है क्या? आश्चर्य आना चाहिए, असंभव है। अरे बाबा भले चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी, तो करेगी या नहीं करेगी? करेगी। हाँ, बाद में जैसे आदि में यज्ञ में हुआ डूबी जा वैसे अंत में फिर डूबी जा हो जाए, एक बाप प्रत्यक्ष हो जाए और बाकी सबकी डूबी जा हो जाए। परीक्षा जब माया की होगी तो टीचर सामने रहना चाहिए, बताएगा एक एक को बैठ करके, तुम तो पीछे पड़ जाओगे है? हाँ।
अभी जो कुछ पूछना है पूछ लो टीचर। हाँ बाबा, हाँ जी, मुसलमानों का पुराना ग्रंथ है, उसका नाम है एंजिल है। हाँ, और बाबा कहते 2018 में बापी की संस्था होगी, उनके सामने होगी। जो बाप प्रत्यक्ष होगा वो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा पहले, या दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष होगा? सीधी सी बात है, जयंती बाप की होगी, तो जयंती जो जन्म कहा जाता है यादगार, वो जयंती पहले परिवार वाले पहचानते हैं बच्चे को कि पहले बाहर वाले पहचानते हैं? पहले परिवार वाले पहचानेंगे। जो नई दुनिया, नया संगठन, नई परिवार की इकाई तैयार होगी, वो छोटी सी एक इकाई होगी या ढेर के ढेर परिवारों में स्वर्ग स्थापन हो जाएगा? कोई एक इकाई होगी, एक पारिवारिक इकाई तैयार होगी, वो स्वर्गीय संगठन दिखाई पड़ेगा। हाँ, बाबा जब बोलते एक ही ट्रेन चलेगी है, लास्ट में बोला एक ही ट्रेन चलेगी है, बाकी वाले मार काट में जाएगी। हाँ, तो कब की बात है, हमारा की बात है उसके बाद की। यज्ञ के आदि में क्या हुआ था? जो आदि में हुआ तो अंत में होगा। आदि में 1947 में क्या हुआ था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी, उस समय क्या हुआ था? उस समय कलकत्ते से जो पहली ट्रेन निकल गई, वो निकल गई। मद्रास से जो पहली ट्रेन निकल गई, सो निकल। दिल्ली से जो निकल गई, सो निकल गई। जयपुर से जो निकल गई, सो निकल गई। बाकी जो दूसरी ट्रेन छूटी और उसमें भर 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 कर भरा भर निकल पड़े ढेर के ढेर, वो सारे काट डाले गए। तो समझ क्यों नहीं आता ये बात? ये सभी ट्रेनें वहाँ कभी जाएंगी? ये थोड़े ही जाएंगे, बताया कहाँ जाएंगी। अरे पहले भी जब हुआ था, जब ट्रेनें काट डाली गई थी, तो कहाँ हुआ था? कौन सी स्थान थे जहाँ के लिए ट्रेनें गई थी? पहली ट्रेन जो जाने वाली थी वो सेफ हो गई, और दूसरे नंबर पे जो ट्रेनें गई थी वो काट डाली। वो कौन से स्थान थे नहीं मालूम? अरे 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 पाकिस्तान से जो ट्रेनें आई थी दिल्ली की तरफ, वो दूसरी ट्रेनें सारी कटके खत्म हो गई। ऐसे ही दिल्ली से निकल करके जो ट्रेनें गई पाकिस्तान में, कराची में, वो सब काट डाली गई। दो ही स्थान थे जहाँ के लिए ट्रेनें गई थी, एक पाकिस्तान और एक कब्रिस्तान। दिल्ली के लिए जाएंगी ट्रेन? हाँ जी, दिल्ली के लिए जाएगी ट्रेन। नई दुनिया कहाँ स्थापन होगी? देखो, आबू अब्बा का घर है, हाँ। जब घर है तो परम धाम को तुम बच्चे सृष्टि पर उतार लेंगे, तो क्या दिल्ली में उतार लेंगे? दिल्ली में थोड़ी उतारेंगे, दिल्ली में तो स्वर्ग की गेट खुलेगा। स्वर्ग का गेट कन्या माताओं के द्वारा खुलेगा या रुद्रमाला के कंडुओं के द्वारा खुलेगा? तो कन्या माता है, हो बताया है स्वर्ग का स्थान। जो तपस्या धाम है, वहां पाप आत्माएं इकट्ठी होकर के तपस्या करेंगी, या स्वर्ग का गेट खोलने वाली पुण्यात्माएं इकट्ठी होकर तपस्या करेंगी? है पाप आत्माएं वहां इकट्ठी हो तपस्या करें? कोई कहेंगे हम नहीं जाएंगे ना, हम वहां जमीन जमीन खरीदेंगे, हम क्यों पापात्मा बने? लॉन्ग बोट जो कहा है बाबा ने, लॉन्ग बोट कहा है ग्राउंड, लॉन्ग बोट, लॉन्ग बोट
जो छोटा बूट होता है उसमें छोटा पांव जाएगा या बड़ा पांव जाएगा? है छोटा पांव जाएगा, और लॉन्ग बूट में बड़ा पांव जाएगा। पांव बड़ा होगा तो बूट भी बड़ा होगा, और पांव ही छोटा होगा तो बूट भी छोटा होगा। तो कौन सा बूट आप लंग समझते हैं और कौन सा बूट आप छोटा समझते हैं? हाँ, छोटा बाबा भी है और बड़ा बाबा भी है। ये बुद्ध रूपी पांव है, एक का लंबा पांव है, एक का छोटा पांव है। एक को बेबी कह दिया और दूसरे को बाप कह दिया। ताला तो गौर की रेस से खुलता है। हाँ जी, ताला भी गौर रेस का ही है। हाँ, उसको करेंगे कि ताला भी गौर रेस का है और खुलेगा भी गौर। अरे ये सब नहीं का, गौर रेस का ताला कहा। ताला भी गॉड रेस का है, गॉड की किरणों का ताला है, और खोलेगा भी कौन? गॉड की जो किरणें हैं वो ही खोलेंगी, दूसरा कोई तो खोलेगा नहीं। तो जो बेसिक ज्ञान है वो क्या है? अच्छा, बेसिक में जो चलने वाले हैं उनकी बुद्धि को कौन सा ताला लगा हुआ है? कोई दुनियावी ताला लगा हुआ है या जो बाबा का ज्ञान लिया है उसी ने ताला लगा दिया? आप कहेंगे अरे भगवान का ज्ञान बुद्धि को ताला लगाता है क्या? नहीं, ये माया को काम दिया हुआ है। जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनकी बुद्धि को ताला लगा दो। 100 गुना बोझ चढ़ता है जो ज्ञान को जानने वाले हैं। अगर विपरीत चरण चलते हैं तो दुनिया में तो 1 गुना ताला लगता था बुद्धि को, और यहाँ 100 गुना बुद्धि को ताला लगता है। तो समझ नहीं आया है? हाँ, वो है गॉडरेज का ताला। किसी और का है? गॉडरेज का ही है। अरे ये क्या बात हो गई है? यज्ञ के आदि में 2036 से लेकर के 37 से लेकर के 2047 नहीं 1936-37 से लेकर के 1947 तक कौन सी शूटिंग चल रही थी? है स्वर्गीय संगम में थी। है संगम में, संगम कहेंगे जो आज में 10 वर्ष थे। जब नई दुनिया तैयार होगी तो नई दुनिया में वो 10 वर्ष का शूटिंग का कार्य नहीं होगा। तो 2004 में कली की शूटिंग पूरी होती है, हुई कि नहीं? 2004 से लेकर के और 2014-15 तक कौन सी शूटिंग हुई? गिरती कला की शूटिंग रहेगी, तो चढ़ती कला हो जाएगी। है ये चढ़ती हो रही है? दिल से पूछो, ये चढ़ती कला हो रही है या गिरती कला हो रही है? गिरती कला हो रही है। यहाँ शूटिंग कैसी की है? यहाँ शूटिंग नीचे उतरने की या नहीं की? नहीं की। गिरने की शूटिंग नहीं की
तो कर रहे हैं तो वहाँ शूटिंग की है तो प्रैक्टिकल ड्रामा में भी होगा है। आप कुछ भी कहो, काम क्रोध लोग मोह अहंकार पांच विकार नहीं होंगे, वो माया नहीं है। हाँ बाबा, बेसिक में कौन सी ड्रामा के कौन से पार्ट की शूटिंग कर रहे हैं? बेसिक में चार अवस्थाओं की शूटिंग थी उनके, जो जब आते हैं ज्ञान में तब से उनकी सत्व प्रधान और लास्ट में तमो प्रधान होती है। इन जनरल जब से बेसिक में आते हैं तब से सत्व प्रधान शुरू होती है, और जब एडवांस में आने को होते हैं तो सत्व प्रधान होती है, माने तमो प्रधान सत्व प्रधान का संगम हो गया। एक एक व्यक्ति की शूटिंग का हिसाब अलग अलग है, सबका एक जैसा नहीं है। हाँ बाबा, राम और कृष्ण को आंखें बताया गया है। राम और कृष्ण ये दो आंखें हैं। हाँ जी, तुम बच्चे मेरी आंखें हो। कृष्ण की आंख तो हम कहेंगे अभी तक भी जैसे खुली नहीं है। हाँ अभी तक उसको नहीं बताया कि मेरा बाप कौन है। तो हाँ कृष्ण, कृष्ण बच्चा है या बाप है? बच्चा, बच्चा बुद्धि की आंख है। काम नहीं कर रही है। अगर कर नहीं रही हो तो फिर चंद्रमा दिखाया कैसे जाता है? छोटी लीक है तो कुछ तो रोशनी है कि बिल्कुल रोशनी नहीं है? कुछ ना कुछ तो रोशनी है। तो उससे तो हम लोग जो है वो तो बेहतर आंखें बाबा की है। उस चंद्रमा से तो हम दीदी रूप आत्माएं तो बेहतर है। बेहतर है तो बेहतर है नहीं आप? आप जो चंद्र ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और उसका जो भी कुल है सत्युग में आने वाली आत्माएं, उनके मुकाबले आप ज्यादा पुरुषार्थ करने वाले नहीं है। तुम बच्चे मेरे से भी याद में तीखे चले जाएंगे। ये किसने बोला? कि शंकर ने बोला, ब्रह्मा ने बोला। तो याद में जब तुम तीखे चले जाएंगे तो प्राप्ति में, प्राप्ति में भी तीखे चले जाएंगे। बाबा, हाँ जी, बाबा ने कहा है जैसे गीता का ज्ञान 18 साल कला है। हैं? गीता का ज्ञान 18 साल कला है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, 18 साल ज्ञान को। हाँ तो इसी तरह जो भक्ति भी 18 साल कर रही है। हाँ भक्ति भी 18 साल तक करेगी। कहाँ? यहाँ जयपुर में है एडवांस में जो भक्ति कर रही है। हाँ 18 साल तक चलेगी। चलेगी तो 2000 माने वो कब से शुरू होगी? 2000 से क्यों शुरू कर दी? वो भट्टी 2000 से आपने क्यों शुरू कर दी? उसका कारण क्या कि आपने 2000 से ही शुरू कर दी? और भट्टी की तो बात ही नहीं है। गीता का ज्ञान 18 अध्याय का है, उससे भट्टी का कनेक्शन थोड़े ही है। कहाँ मुर्री में बोला भट्टी 18 साल चली? ये तो आपने बना लिया बस। अच्छा बाबा की मुरली के बरखिलाफ आपके आपके अंदर से बात क्यों निकल रही है? जितना गिरता है। आप गिरना शुरू करो। असली बात तो ये आई, 52 पॉइंट बोला है ना, जितना नीचे गिरेंगे उतना उतना हम ऊँचे उठेंगे। तो अब हिरण्याक्ष भ्राता आ गया ना, तो अच्छा आ गया है, हमको गड्ढे में ले जाए पूरा। जितना ज्यादा अभी हम गड्ढे में जाएंगे उतना ज्यादा ऊँचे उठेंगे। उल्टा ज्ञान क्यों उठाना है? हैं है ये सीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। अभी चढ़ने का टाइम है या उतरने का टाइम है? चढ़ने का टाइम। अभी नए नए संबंध जोड़ने का टाइम है या जो भी पूर्वजन में हमारे पुराने संबंध जुड़ गए हैं और जो अभी स्मृति में आ जाते हैं उनको तोड़ने का टाइम है? तो तोड़ने का टाइम पे कोई जोड़ने लगे इंद्रियों से है, और जोड़ने के टाइम पर तोड़ने लगे, तोड़ने के टाइम पर जोड़ने लगे, तो लटक जाएगा ना फिर।
है, सारा उल्टा हो जाएगा। क्या जो जितना गिरते हैं इतना चढ़ते हैं, तो ज्ञान में आने से पहले की बात है। हाँ हाँ साढ़े चार लाख आत्मा है जो राधे कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगी, हाँ वो आत्माएं हैं परम धाम कभी नहीं जाएंगी। मन बुद्धि उनकी परम धाम कभी जाती नहीं है, वो सबसे पहले परम धाम जाती है। वो मन बुद्धि में तीखी है उड़ान में या कमजोर है, तो तीखी है तो सबसे ऊपर जाएंगी पहले या बाद में जाएंगी। झाड़ के चित्र में सबसे तीखा जाने वाला शंकर को दिखाया है, तीसरा नेत्र के रूप में चित्रों में दिखाते हैं, तो वो पहले जाएगा या बाद में जाएगा? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पहली आत्मा उतरती कौन है? है जो आदि पुरुष है वो ही पहले उतरता है, वो ही पहले जाता है, है? भले एक सेकंड के लिए। बताया परम धाम से आखिरी आत्मा आएगी तो पहली आत्मा उसी समय खाली नहीं रहेगा। कुछ नहीं, कीड़े मकोड़ों का पार्ट होता है, जन्म लिया और मरे। पतंगों का क्या पार्ट होता है? रात में 12 बजे कोई पतंगा पैदा हुआ तो सवेरे को सब खला। तो बौद्ध धर्म पुराना है तो बौद्ध धर्मखंड भी पुराना हुआ। हिंदुस्तान में थोड़े ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। चीन में पहले बनी होगी। चीनी को अच्छा समझते हैं नेचुरोपैथी डॉक्टर या खराब समझते हैं? जो भी चीजें विदेश से आई हैं, जो भी केमिकल से बनाई जाती हैं, वो सब साफ खराब। विदेशी सभ्यता ही खराब, विदेशी खान पान ही खराब, विदेशी पहनावा ओढ़ावा भी खराब। माता जी खराब बता रही है, पहने कर बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्या पहने बैठे हैं? तो मजबूरी है। और तो हम जब तक मरेंगे तब तक पहने ही रहेंगे। हैं? वो धोती लपेटना तो और आसान है। हैं? मुट्ठी बांध के अंदर डाल दो। अच्छा चलो। हाँ। सूर्य जो है वो जापान से निकलता है। हाँ, जापानी लोग समझते हैं अपने को सूर्यवंशी। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी समझते हैं, तो गलत समझते हैं या सही समझते हैं? दुनिया के नक्शे में जो नक्शा बना हुआ है, उस दुनिया के नक्शे में पूरब का देश कौन सा है? जो ईशान कोण दिखाया जाता है, जहाँ से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है या स्थूल सूर्य प्रत्यक्ष होता है, वो देश कौन सा दिखाया गया है? भाई जापान। फुल प्रूफ। हाँ, तो ये फूल वर्ड इंग्लिश का, इसको तो हम मूर्ख कहेंगे ना। इंग्लिश में तो फूल मूर्ख को कहा गया है। फूल वो है, फुल वो है FOOL, फूल, और वो है FUL, फुल। हाँ, फुल प्रूफ। फुल प्रूफ नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता। बोलते 2026 में स्थिति ठीक जाएगी। 2026 में क्या होगा? आत्मिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आत्मिक स्थिति सबकी?
अगर सबकी आत्मिक स्थिति स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए तो 2026 में दुनिया खलास हो जाना चाहिए। सब परमधाम में जाके बैठ जाएंगे आत्मिक स्थिति में, क्योंकि आत्मिक स्थिति बन गई सबकी। तो ये तो हो नहीं सकता। संगम युग कितने साल का बताया? 100 साल का बताया, तो 100 साल तो पूरे होने दो। में 36 में हो, 26 बता रहे हैं। हिसाब किताब 500-700 करोड़ आत्माओं के जब पूरे होंगे तो 26 में पूरे होंगे या 36 में पूरे होंगे? ब्रह्मा के तन में प्रवेश था तो 37 से हुई है। ब्रह्मा के तन में परमात्मा का प्रवेश था तो 37 से हुई। 37 से हुई, 47 से ही संगम युग मिलना चाहिए। क्यों? माने ब्रह्मा के आधार पर संगम युग है। अब उससे पहले प्रवेशता नहीं हुई उसकी। आपकी वो शिव बाप की प्रवेशता जो है ब्रह्मा दादा लेखराज से पहले किसी में नहीं हुई, तो जिससे पहले हुई वहीं से गिना जाए। चले कैसे गए? उनका तो 100 साल आयु गिनी जाएगी। ये तो बेहद की आयु है, अलौकिक आयु है। चली कैसे, खत्म कैसे हो जाएगी? हाँ, वो 100 साल ब्रह्मा की आयु, आज ब्रह्मा की आयु कहाँ पूरी हुई? 76 कैसे होगा? कौन से ब्रह्मा का? बाबा माने ब्रह्मा बाबा। हाँ हाँ, शिव बाबा का पार्ट। शिव बाबा वो पार्ट क्या प्रत्यक्ष हो गया था? बच्चे को जब जन्म देता है बाप, तो बच्चे को पता चलता है मेरा बाप कौन है? कोई नहीं जानता, सिर्फ माँ जानती है। वो भी कहीं हॉस्पिटल में बच्चे की पैदाइश हो, बेहोश हो जाए तो वो भी नहीं जानेगी। और ये जो कहा गया कि योग से हमारे जैसे जन्मों के विकर्म दर्द होते हैं, आज तो ये प्रैक्टिकल बात है या कर्म भोग भोगना ही पड़ता है? जब हम देवान में रह करके कार्य किए हैं तो हमारे कर्म भोग बने हैं, कि जब देवता थे सतीपुत्रता से बने। जब देवान शुरू हुआ तब हमारे कर्म भोग बने। तो हमें क्या करना पड़े उल्टा, जो हमारे कर्म भस्म हो, देही अभिमानी बनना पड़े। तो जितना देही अभिमानी बनेंगे उतने पाप कर्म भस्म होंगे, या जितने भी विकर्म हमने किए हैं वो भस्म होने के लिए उतना ही हमको आत्माभिमानी आत्मा को याद करना पड़े, आत्मिक स्थिति में स्थित होना पड़े, बाप को याद करना पड़े। जैसे पूर्व के जन्म से जो हमारी आत्मा से कर्म बंधन है, हाँ? वो योग से सुख हो सकते हैं? अरे योग माने ही क्या, ऐसे थोड़े कि हम अपनी आत्मा को याद करेंगे भ्रकुटी के मध्य में तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा के साथ साथ किसको याद करना है? बाप को भी याद करना है। इसे योग कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को याद करना योग नहीं है, आत्मा पर बाप को याद करना। हाँ, आत्मा समझ आत्मा बाप को ऐड करो तब योग हुआ। एक और दो का योग करो, कितना हुआ? दो हुआ। एक और दो का योग 3 हुआ। तो योग माने जोड़ना, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का योग। ऑटोमेटिकली विकर्म भस्म होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे उल्टा करेंगे तो उल्टा ही होगा ना। देवान से हम सीढ़ी नीचे उतरे, देह समझते समझते, अब क्या करें जो हम ऊपर चढ़े? देह को भूल जाए, देह के संबंधियों को भूल जाए, देह के पदार्थों को भूल जाए, आत्मिक स्थिति में रहे और आत्मा के बाप को याद करें।
क्योंकि सिर्फ आत्म की स्थिति में रहेंगे तो भस्म नहीं होंगे, बाप को ऐड करना पड़े, इसलिए ऐड करना पड़े कि वो बाप ही एक आत्मा ऐसी है जिसके ऊपर पापों का बोझ नहीं चढ़ता। आत्मा का हाँ हाँ मूर्ति तो याद आती है, एक बार भूल जाने से एक जन्म के भी पूरे हो जाएंगे पाप कर्म। आपने बार बार पाप कर्म किए हैं कि एक ही बार किए हैं? एक ही बार जन्म लिया है या बार बार जन्म लिए हैं? फिर और जो और सौ गुने करते जा रहे हैं सो कहाँ जाएंगे? तिरसठ जन्म की तो बात छोड़ो, अभी हम जो विकर्म कर रहे हैं उसका सौ गुना बोझ चढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा? हाँ कि जहाँ जहाँ भगवान की इच्छा करते हैं वो स्थान है, जहाँ जहाँ भगवान का पढ़ते हैं वो अविनाशी बन जाता है। ये भक्ति मार्ग में कहते हैं ज्ञान मार्ग में कहते हैं? भक्ति मार्ग की बातों को तो उड़ा दो, टैली करते रहो, एक एक बात में टैली करना है, बाबा की मुरली में आया है या नहीं आया है, ये बात बाबा ने बोली है या नहीं बोली है। कहा गया ना सन्मुख जीव, जब आए तो सन्मुख आए ना या कुर्सी पर सामने बैठ जाए तो ही सन्मुख हो गया, यही तो मुसीबत है। कुर्सी पर सामने बैठ जाते हैं, यहाँ बिल्कुल एक मीटर दूर आकर के बैठ जाते हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं और सो रहे हैं और सन्मुख कहेंगे? ये कुंभकर्ण ने दबोच लिया है तो एकदम विरोधी बना दिया। हाँ ये स्थिति बढ़ती जा रही है, अब कैमरे में आंख होती जा रही है क्या है? अच्छा हम प्यार करते हैं किसी को, जब हम 16 साल के थे तो हमने किसी को प्यार करना शुरू किया और वो आके हमारे सामने बैठ गया और हम सो गए, असंभव बात बोलते हैं है? कुछ तो प्रैक्टिकल बोलो। मुरली में बाबा ने कहा सन्मुख पर जो मुरली सुनते हैं ऐसा थोड़ा मुरली है, हाँ तो कुछ ना इसका हमें कैट मिलना चाहिए ना। हाँ आप आत्माएं तो है, हाँ हाँ उसका कह रहे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, सन्मुख हम सुन रहे हैं। हाँ सन्मुख सामने बैठा, बिल्कुल बिल्कुल सन्मुख आकर के दो महीने में एक बार हमने मुरली सुनी है ना, सुनी मुरली तो दो महीने में एक बार सुनी, लेकिन पंक्चुअल सुनी, रेगुलर सुनी या पाप का बोझा चढ़ाया? क्योंकि टीचर के सामने कोई स्टूडेंट अगर रेगुलर नहीं है अथवा पंक्चुअल नहीं है, टीचर पहले आके बैठ जाता और स्टूडेंट बाद में आके बैठता तो टीचर का अपमान है या सम्मान है? तो बोझा नहीं चढ़ेगा, ये नहीं देखेंगे। अच्छा दूसरी बात, दो महीने में हमने तो एक बार सुनी, कोई ऐसे भी तो होंगे कि जब जब सन्मुख उल्टी चलती होगी तो सन्मुख बैठ करके सुनते होंगे, ऐसे नहीं होंगे? हैं? तो वो नंबर आगे ले जाएंगे, हम नंबर आगे ले जाएंगे, हैं? वो आगे ले जाएंगे। बाबा ने कहा व्यक्त और अव्यक्त दोनों तरीके से साथ में रहते हैं,
कोई तो व्यक्त शरीर से साथ में रहते हैं, कोई ऐसे हैं व्यक्त शरीर से साथ नहीं रह पाते, लंदन में बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें पता चल गया बाबा की वाणी आज चल रही है और बुद्धि यहाँ लग गई, जैसे बांधेली माता है, अगर उनको पता चल जाता है कि बाबा की वाणी वहाँ चलने वाली है इस टाइम पर, तो रात भर उनको नींद नहीं आती। उन बांधेली माताओं की बात छोड़ दो, कोई भी गीता पाठशाला में गीता पाठशाला वालों से पूछो कि वहाँ की जो माताएं हैं मोस्टली उनको शाम को पता चल जाए कि बाबा आने वाले हैं तो रात भर उनको नींद आती है, है? तो ज्यादा सन्मुख कौन रहा है? तो बड़ा मुझसे मुसीबत है, है? हाँ तो फिर कहा गया कि एक के सादे सब सदे है। तो एक आत्मा को शक्तिशाली बनाने से क्या शरीर के जो भी बीमार रोग शोक बीमारियां हैं उनके ऊपर विजय पाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं विजय पाई जाएगी? जब हम एकाग्र हो गए, देवताएं एकाग्र होते हैं या उनकी मनबुद्धि व्यभिचारी होती है? अभी इधर गई, 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 कोई आया इधर गई। जितना समय हम समय और पैसा हम डॉक्टरों के पीछे लगाते हैं, अगर वो समय और अपना धन जो है वो हम योग के लिए बाबा के जगह में लगाए तो लगाए ना, वो तो नियम बता दिया, जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना तन जितना मन जितना धन ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो जहाँ लगाएंगे वहाँ हमारा मन सुलोगन बना दिया बेसिक में ही, क्या जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ऐसा कहीं थोड़ा ही होता है कि कोई आदमी अपना सारा पैसा जिंदगी कमाई किसी कारखाने में लगा दे और विलायत में चला जाए, तो उसकी विलायत में रहते हुए बुद्धि कहाँ रहेगी? कारखाने में रहेगी। ये तो सामान्य नियम है और लगाने वाले लगा भी रहे, ऐसे भी नहीं कि लगाने वाले नहीं है। योग को हम संजीवनी बूटी कहते हैं, हाँ तो सभी दुखों की दवा संजीवनी बूटी कर सकती है ना? हाँ हाँ, उसका नाम ही है संजीवनी, सम माने संपूर्ण, जीवन माने जीवन देने वाली, संपूर्ण जीवन देने वाली। अपूर्ण जीवन होता है त्रेता में, वहाँ आयु कम हो जाती है। जो आत्मा ज्ञान में चल करके डॉक्टरों पे ज्यादा विश्वास करती है इसका मतलब उनका भगवान पे विश्वास कम है? जरूर कम है, परसेंटेज याद की जरूर कम है। जिसकी 100% याद की स्टेज हो जाएगी उसको कोई डॉक्टर के पास जाने की दरकार नहीं रहेगी, वो कहाँ का वासी हो जाएगा? अब परम धाम वासी हो जाएगा, है? ब्रह्म निर्वाण। बाबा को हम रूहानी तर्जन कहेंगे या रूहानी प्लस जिस्मानी तर्जन कहेंगे? बाबा को रूहानी सर्जन ही कहा जा सकता है, जिस्मानी सर्जन नहीं है। जिस्मानी सर्जन भी बाबा को तब कहा जाएगा जब शिव और शंकर दोनों की आत्मा एक समान बन जाए, फिर पारसनाथ बनने के बाद जो भी नजदीक जाएगा वो परिवर्तन परिवर्तन हो जाएगा। दुनिया में भी ऐसे देखा जाता है। ऐसा तुम्हें कब तक आएगा? क्या पारसनाथ के पास जाने से जैसे सोना बन जाते हैं वो तुम्हें कब तक आएगा? माने बाप और बाप का बच्चा अव्वल नंबर, संपन्न स्टेज में कोई बनने वाला नहीं है जल्दी, बनेगा कि नहीं बनेगा तो उन्हें टाइम ही नहीं मालूम है अभी कब बनेगा, यही टाइम नहीं पता चला अभी। अरे बाप है शिव शंकर भोलेनाथ मनुष्य शक्ति का, और उसका बच्चा अव्वल नंबर पहला पत्ता है श्री कृष्ण, दोनों साथ साथ संपन्न बनेंगे या आगे पीछे बनेंगे? साथ साथ संपन्न बनेंगे, तो वो डेट का पता नहीं चला अभी, डेट का पता भले नहीं चला लेकिन
कम से कम वो वर्ष का तो पता लग रहा है। डेट नहीं, डेट ज्ञान में नहीं बताई जाती, वर्ष बताया जाते हैं। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने का टाइम है 69/18 जनवरी। मुरली में बोला गया है कोई के 50 वर्ष भी कम हो गए होंगे षष्ठी चक्र में से, तो कौन सी आत्मा है जिसके षष्ठी चक्र में से 50 वर्ष कम हो जाते हैं? ब्रह्मा वाली सोल। इससे ये साबित होता है कि 2018 में ज्यादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा को कृष्ण के रूप में जन्म लेना होगा। कृष्ण के रूप में जन्म नहीं लेना होगा, जन्म जो है ये कोई लौकिक जन्म नहीं है, ये तो अलौकिक जन्म है। माने कृष्ण की जो सोल है जो अधूरे चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है वो संपूर्ण चंद्रमा बन जाएगी 2018 में। पारसनाथ बन गया। पारसनाथ तो शरीर को कहा जाता है। 2012 का जो घटनाक्रम है वो तो जो कैसेट निकाली है दुनिया वालों ने और ब्रह्मा कुमारियां जिसको एडवर्टाइज कर रही है वो उनकी बात है। और अगर वो संभव है भी तो वो बात ऐसे नहीं है कि सारी दुनिया के लिए ये लागू होता है, सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया में लागू हो सकता है। बाबा जी माना जाए कि अभी ये जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं ये अंतिम चुनाव है, अभी जो लोकसभा का गठन हुआ है ये अंतिम उसके बाद से जो है किशन जाएगा। अभी राष्ट्रपति कौन बन गया? प्रतिभा पाटिल महिला बनी ना, महिला नहीं स्पीकर की बात नहीं कर रहे, अभी राष्ट्रपति कौन बना? जो नया चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ क्या? नहीं हुआ, होने वाला है? अभी नहीं हुआ। बाबा ने बोला है कि आखिरी में ऐसा भी होगा कोई क्रिश्चियन को राष्ट्रपति बना देंगे क्या? हाँ तो अभी तो सिख है राष्ट्रपति, सिख के बाद फिर ये नहीं नहीं ये प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा पाटिल को ये क्रिश्चियन थोड़े ही है। हाँ तो राष्ट्रपति का चुनाव तो अभी 2 साल में होने वाला है, देखेंगे ड्रामा। हमें बाहर की दुनिया का पहले देखना है कि अंदर की दुनिया का पहले देखना है? है है बाहर की दुनिया को देखने से अगर हमें अंदर की ज्ञान का अंदरूनी ज्ञान का रूहानी ज्ञान का पता लग जाए फिर तो सबको अखबार पढ़ना चाहिए। तो कहा ना कि दोनों समानांतर चल रही है, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, जो प्रभाव अंदर हो रहा है उसका प्रभाव बाहर पड़ता है। हाँ ठीक है, अंदर हो रहा है उसका प्रभाव बाहर पड़ता है, तो हमें बाहर को पहले देखना है या अंदर को देखना है? अंदर को देखें, बाहर को देख करके फिर अंदर का मीजान लगाएंगे, इतना ज्ञान भी होना चाहिए बुद्धि में कि हम टैली कर सके। हाँ थोड़ा भी मिसयूज हो गया, कोई गलत कैलकुलेशन निकल पड़ा तो फिर हमारा डब्बा गोल हो जाएगा। क्वालिफिकेशन अभी तो बताया जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा निकलेगा। जो वहां जाने वाले हैं उनकी कुछ तो क्वालिफिकेशन देखने में आ रही है कि नहीं? कुछ भी नहीं देखने में आ रही,
हैं, क्या देखने में आ रही हैं? एक तो उनको घर वालों से फोन ही नहीं किया कराया जाता, फोन तक से कनेक्शन नहीं है, बातचीत ही नहीं हो रही, मिलने जुलने की तो बात ही खत्म हो गई। और जितने भी मिनी मधुबन हैं उनके मुकाबले खान पान ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, ईश्वरीय नियमों के अनुकूल होगा या कुछ प्रतिकूल होगा? ज्यादा ही अनुकूल होगा, खान पान भी अनुकूल होगा, रहन सहन भी अनुकूल होगा। तो ज्योतिषी वाली बात हो गई है, हमारे में से जाएंगे ना? नहीं जा रहे हैं क्या? अरे हमारे में से नहीं जा रहे हैं क्या? वहाँ गृहस्थी की माताएं नहीं पहुंची हुई हैं क्या? या वो गृहस्थी तुरंत तुरंत की बेसिक में न भी चली है, जो कन्याएं बेसिक में नहीं भी चली है वो तुरंत तुरंत की निकली हुई बेसिक कन्याएं वहां नहीं पहुंची हैं क्या? वो भी पहुंच गई। अच्छा भाई लोग नहीं पहुंचे क्या? कहाँ से आप यहीं का क्यों पूछ रहे हैं? आपने 84 जन्म यहीं लिए हैं क्या? जम्मू नहीं है, जम्बू है। हाँ कन्या पहुंच गई, ये थोड़ी कह सकते कि नहीं पहुंची है। हाँ बॉम्बे वाले भी पहुंचे, बॉम्बे वाले बहुत पहुंच गए। जम्मू और जामड़े हाँ दोनों की राशि एक ही है। बिल्कुल, राम रावण की राशि एक हो सकती है तो जम्मू और जामड़े की राशि एक नहीं हो सकती है? हाँ जम्मू का शहर तो नहीं पता, जम्मू का शहर तो नहीं पता। कहाँ? जम्मू से। हाँ उनके नाम पर तो नहीं पड़ा। मान ये कहावत कोई चल रही है कि जम्मू नाम जो है जामबंद के नाम पर पड़ा है, है? जाम्बूर नाम का राजा हुआ। हाँ हुआ होगा। हाँ हाँ मैं लंदन जा सकूंगा क्या? लंदन जा सकूंगा? जा सकूंगा। पापा रहते हैं ना वहाँ। अच्छा लंदन। तेरा बेहद का पापा कहाँ रहता है? परम धाम में। यहाँ नहीं आता? यहाँ आता ही नहीं। आता है, तेरा बेहद का पापा भी वो लंदन में रहता है क्या? कहाँ रहता है? जहाँ ज्ञान का लेन देन बहुत होता है उसका नाम लंदन पड़ा है। हाँ वहाँ धन संपत्ति का भी लेन देन हिंदुस्तान से ज्यादा होता है, इसलिए उसका नाम लंदन पड़ा है। तेरा बड़ा पापा तो लंदन का ही रहने वाला है, तो तू कहाँ की रहने वाली हुई? तो भी लंदन की वासी हो गई। पांच मिनट तक डेड साइलेंट, मेरा क्लास पूरा। भूख लग रही, चल।